नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सामने मनु भंडारी द्वारा रचित एक आत्मकथा एक कहानी यह भी की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बताने जा रही हूँ। इस आत्मकथा में मनु भंडारी ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि बच्चों के जीवन में बच्चों के जीवन में उनके माँ बाप के द्वारा उनके जैसा व्यवहार किया जाता है उसका असर उनके जीवन पर जिंदगी भर पड़ता है। मैं फिर से इसको एक बार बोल रही हूँ, माँ बाप के द्वारा बच्चों के बचपन के जीवन में जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, जिस तरह का बिहेव किया जाता है माँ बाप के द्वारा, उसका असर जो है वो बच्चों के जीवन मतलब होल पूरे जीवन में उस जीवन भर उसका असर रहता है। यदि माँ बाप घर में बहुत सारे बच्चे हैं तो एक दूसरे की कंपैरिजन करते हैं, एक दूसरे की तुलना एक दूसरे से करते हैं, तो बच्चों में आपस में एक तो नफरत पैदा होता है और दूसरा उनमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आनी शुरू हो जाती है, जिससे वो जिंदगी भर उबर नहीं पाते हैं, जिससे वो जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाते हैं। मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर रही हूँ, माँ बाप अपने बच्चों के द्वारा उनके जिस तरह का व्यवहार करते हैं बचपन में, उनके बचपन में उसका असर बच्चों के जीवन पर जिंदगी भर पड़ता है। स्पेशली यदि कंपैरिजन किया जाए एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ घर में, तो उस चीज से बच्चे जो है कभी भी बाहर नहीं आ पाते हैं, चाहे अपने आगे के जिंदगी में, आगे के जीवन में या फ्यूचर में वो कितने भी आगे चले जाएं, लेकिन माँ बाप के द्वारा बच्चों के साथ बचपन में जैसा व्यवहार किया जाता है उस चीज से बच्चे जो है कभी भी उबर नहीं पाते हैं, कभी भी बाहर नहीं आ पाते हैं। मनु भंडारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके पिताजी जो हैं, उनकी जो और बहनें थी वो बहुत वो फेयर थी, गोरी थी, और मनु भंडारी जो थी वो थोड़ी सांवली थी। तो मनु भंडारी जो है हमेशा ये एहसास मनु भंडारी को दिलाया करते थे कि उनकी जो बहनें हैं वो ज्यादा सुंदर हैं और मनु भंडारी सुंदर नहीं हैं। ठीक है, ये पहली बात है। कंपैरिजन हमें कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे जिंदगी भर परेशान रहते हैं। दूसरी जो बात है कि यदि हम अपने बच्चों को ठीक है आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, तो हमें अपनी सोच में हमें उतना ब्रॉड माइंडेड भी बनना चाहिए, हमें अपने बच्चों पर विश्वास भी करना चाहिए, हमें अपने बच्चों पर ट्रस्ट भी करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी इंसान हमारे बच्चों की कंप्लेन आकर हमसे करता रहेगा और वो हमारे वीक पॉइंट को पकड़ लेगा कि ये बंदा जो है ठीक है ये अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करता है, तो कोई भी उलूल जुलूल बात वो हमसे कह करके चला जाएगा और हमारे घर में ही परेशानी और कलह लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। यदि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच में भी हमें ब्रॉड माइंडेड बनना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यदि हमारे घर में हमारी बेटियां हैं तो वो लड़कों से बाहर जाके बातें करती हैं तो लड़कियों को हमें शक की दृष्टि से यानी डाउटफुल नजरों से हमें नहीं देखना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज्यादा परेशान रहेंगी और वो कोई भी काम आजादी पूर्वक नहीं कर पाएंगी। ठीक है, आप अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए। यदि माँ बाप अपने बच्चों पर विश्वास करेंगे तो बाहर का कोई भी इंसान आपके बच्चों पर उंगली नहीं उठा पाएगा। आपके उस फालतू का आकर के कोई कंप्लेन नहीं करेगा। और तीसरी जो बात है कि टीचर्स का बिहेवियर भी बच्चों के स्टूडेंट्स के जीवन पर बहुत ही ज्यादा असर डालता है। ठीक है, टीचर्स को भी बच्चों के साथ, क्योंकि मनु भंडारी के जीवन में भी उनकी एक टीचर का बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है और जिनकी पॉजिटिव बातों
के चलते मनु भंडारी के जीवन ने एक नई दिशा ली, एक नया डायरेक्शन लिया, एक नया मोड़ लिया। ओके, वो हमेशा मनु भंडारी को उनकी जो टीचर थी वो अप्रिशिएट किया करती थी उनके कामों को लेकर के, उनके वर्क को लेकर के। सो टीचर्स को भी स्टूडेंट्स यदि कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें ऑनेस्टली उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये भी उस स्टूडेंट के जीवन में नई दिशा ला सकती है, स्टूडेंट के लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला सकती है। सो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एक कहानी यह भी जो ये आत्मकथा है उसमें। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस आत्मकथा की वो समझ में आ गई होंगी। यदि ऐसा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसे जरूर से शेयर कर दीजिए, अपने क्लासमेट के साथ इसे जरूर से शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो सके। थैंक यू।